मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आप ही के अपने चैनल कमल नंदलाल पर, यूट्यूब, फेसबुक और IGTV नेटवर्क पर। दोस्तों, ये चैनल आपका है, आपके लिए है, आप ही इसका मूल कारण है। तभी तो आपसे निवेदन करता हूं कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो जरूर शेयर करें और पुण्य जरूर कमाएं। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका दैनिक राशिफल, आपका राशिफल, कमल नंदलाल का दैनिक राशिफल। इस राशिफल में हम आपको बताएंगे मेष से लेकर मीन राशि के जीवन का हाल, साथ ही साथ आपको बताएंगे राशि अनुसार कुछ सरल उपाय जो आपके लाइफ को सक्सेसफुल बनाए। पंचांग बताएंगे, दिन का हाल बताएंगे, आपका लकी नंबर, लकी कलर, लकी डायरेक्शन बताएंगे, लकी टाइम बताएंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे राशिफल के आखिर में एक ऐसा स्पेशल उपाय जो आपके जीवन की किसी बड़ी समस्या को चुटकियों में मिटा देगा। तो चलिए राशिफल की शुरुआत करते हैं पंचांग के साथ में। तो दिन है शुक्रवार का, तारीख है 3 दिसंबर 2021, मार्गशीर्ष कृष्ण चतुर्दशी पर चंद्रमा तुला राशि और विशाखा नक्षत्र में रहेंगे। दिन का लकी नंबर रहेगा 2, लकी कलर रहेगा सफ़ेद, लकी डायरेक्शन रहेगी नॉर्थ वेस्ट यानी कि व्यायव, राहु काल रहेगा सुबह 10:53 से लेके दोपहर 12:11 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा दोपहर में 1:45 से लेकर अगले दिन सुबह 6:59 तक। दिन का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा दोपहर 1:55 से लेकर के 2:47 तक। विशेष क्या है, अमृत योग है और अगहन लक्ष्मी पूजन का दिन है, बहुत ही विशेष दिन। अगहन में गुरुवार और शुक्रवार के दिन विशेष लक्ष्मी पूजन का महत्व बताया गया है और उस दिन विशेष जिस दिन कोई शुभाशुभ योग हो। तो सर्वार्थ सिद्धि योग में एक सवाल आपसे, क्या आप कोई बिजनेस करते हैं या रोजगार करते हैं तो क्या आप रोजगार के घाटे से मुक्ति पाना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं तो ये स्पेशल उपाय जरूर देखिएगा। तो चलिए राशिफल की शुरुआत करते हैं। राशि नंबर 1 मेष यानी कि एरीज के साथ में। मेष राशि वालों, ऊर्जा अच्छे काम में लगाएंगे, सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, करियर में बदलाव के योग हैं, पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। उपाय ये करें, शिव चालीसा का पाठ करें। दूसरी राशि वृष की बात करेंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तरोताज़ा महसूस करेंगे, करियर में नए अवसर प्राप्त होंगे, दफ्तर में कामों की खूब प्रशंसा होगी, खास व्यक्ति से सहयोग मिलेगा। उपाय ये करें कि शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं। तीसरी राशि मिथुन की बात करेंगे, मन सामाजिक काम में लगेगा, छात्रों को, शिक्षकों से मदद मिलेगी, धर्म कर्म में शामिल होंगे, कड़ी मेहनत से सफलता मिलेगी, प्रेम जीवन रसिक रहेगा। उपाय ये करें, देवी दुर्गा को इत्र चढ़ाएं। चौथी राशि कर्क की बात करेंगे, कामकाज में सफल रहेंगे, आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, कारोबारियों को लाभ होगा, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, जीवन साथी आपके व्यवहार से प्रभावित होगा। उपाय ये करें, धर्म स्थल जाकर प्रार्थना करें। पांचवी राशि सिंह की बात करेंगे, सारे काम मन मुताबिक पूरे होंगे, खर्चों में वृद्धि होगी, मनमर्जी के लिए किसी पर दबाव न डालें, मित्रों से मनमुटाव होगा, परिवार के साथ घूमने जाएंगे। उपाय ये करें, जरूरतमंदों को वस्त्र दान करें। छठी राशि कन्या की बात करेंगे, आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव रहेगा, नए कपड़े पर खर्च होगा, सेहत ठीक रहेगी, किसी कारण मूड खराब रहेगा, शाम में दोस्तों के साथ पार्टी करेंगे। उपाय ये करें, अनाथालय जाकर या किसी गरीब को, किसी गरीब बच्चे को कुछ गिफ्ट कर दीजिए, कुछ भी, पैसा चाहे कपड़ा। सातवीं राशि तुला की बात करेंगे, तुला राशि वालों, दफ्तर में सहयोग मिलेगा, मित्रों की मदद से रुके हुए काम पूरे होंगे, कोई खुशखबरी मिलेगी, पिछले कामों से फ़ायदा होगा, करियर में रुकावटें खत्म होंगी। उपाय ये करें, सूर्य को नमस्कार करें। आठवीं राशि वृश्चिक की बात करेंगे, बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा, व्यापारियों को बड़ा फायदा होगा, कामकाज में बदलाव से बचें, कामकाज में भागदौड़ बनी रहेगी, घर परिवार की चिंता बढ़ेगी। उपाय ये करें, गाय को रोटी खिलाएं। नवी राशि धनु की बात करेंगे, घर में खुशी का माहौल रहेगा, प्रेमियों की शाम अच्छी रहेगी, करियर में पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, सेहत बेहतर रहेगी, पूरे मन से लोगों की मदद करेंगे। उपाय ये करें, गणेश जी की आरती करें। दसवीं राशि मकर की बात करेंगे, दफ्तर में मनोबल बढ़ा रहेगा, अचानक धन लाभ होगा, नए काम से फायदा होगा, करीबी दोस्तों से मुलाकात होगी, प्रेमी कहीं घूमने की योजना बनाएंगे। उपाय ये करें, इष्ट देव को प्रणाम करें। ग्यारहवीं राशि कुंभ की बात करेंगे, तरक्की में रुकावटें आएंगी, परिवार में सुख शांति रहेगी, बाहर घूमने की योजना बनाएंगे, अनजान पर भरोसा करने से बचें, दोस्तों से अनबन के योग हैं। उपाय ये करें, किसी कन्या से आशीर्वाद लें। बारहवीं राशि मीन की बात करेंगे, मनोबल में वृद्धि होगी, अधिकारी काम से खुश होंगे, काम को बढ़ाने से धन लाभ में वृद्धि होगी, सेहत बेहतर रहेगी, नए लोगों से मुलाकात से लाभ होगा। उपाय ये करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो दोस्तों, अब समय है आज के स्पेशल उपाय का, वो स्पेशल उपाय जो व्यापारिक घाटे से, रोजगार के घाटे से आपको मुक्ति दिलाएगा।
छुटकारा मिल जाएगा आपको। देखिए विशेष दिन है, खास दिन है और अगहन लक्ष्मी पूजन का दिन है, तो ऐसे में एक विशेष लक्ष्मी होती है गोविंद लक्ष्मी, तो आप लक्ष्मी जी की पूजा करें और लक्ष्मी जी पर चढ़े मतलब सूखे आंवले चढ़ाएं, और ये जो चढ़ावा सूखा आंवला है घर की पश्चिम दिशा में स्थापित कर दीजिए इसे, और इस पूरे प्रयोग में एक विशेष मंत्र का जाप कीजिए, ओम गोविंद लक्ष्मी नमः, आश्वस्त करता हूँ आपको व्यापारिक घाटे से छुटकारा मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त दीजिए अपने मित्र को, नमस्कार, नमः शिवाय।